हमने बात की कोरिलेशन रिसर्च डिज़ाइन की और हमने देखा कि हम पी प्रोडक्ट मोमेंट सिंपल कोरिलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी दो गिवन वेरिएबल्स के अंदर और उसमें एज सच हमारे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल आइडेंटिफाइड नहीं होते हम ये नहीं कह सकते कि वन इज़ अ कॉज एंड अदर इज़ इफेक्ट दादर वी जस्ट टेक एनी टू वेरिएबल्स एंड वी फाइंड आउट कि इनके अंदर क्या रिलेशनशिप है और फिर उसी तरह से हम अनालिसिस और टेस्टिंग हाइपाथिस करते हैं दूसरी आज हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस की विच आर वेरी फाइन डिज़ाइंस और मैं आपको भी इंकरेज करूँगी इफ यू आर कंडक्टिंग स्टडी विच यू विल डेफिनेटली जैसा हम साइकोलॉजी के अंदर इधर सब बैचलर ऑफ बी एस डिग्री और एम एस सी डिग्री यू बाई एंड ऑफ द ऑल द सेमेस्टर्स यू विल भी कंडक्टिंग सम रिसर्च और थीसीज और सम रिपोर्ट रिसर्च रिपोर्ट तो उसके अंदर आई थिंक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइंस आपकी ट्रू स्पेरिट आपको बताते हैं साइकोलॉजी के अंदर क्या है बिकॉज यू योर सेल्फ मैनीपुलेट वेरिएबल्स एंड सी हाउ वन वेरिएबल इज़ अफेक्टिंग द और इसके अंदर हम ना सिर्फ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इस्टेबलिश कर सकते हैं बल्कि हमारी इंटरनल वैलिडिटी भी बड़ी हाई होती है वाट इज़ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन एक्सपेरिमेंटल ऑफन कॉल्ड थ्रू एक्सपैरिमेंटेशन एंड यूज साइंटिफिक मैथड टू इस्टैबलिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स और इसके अंदर एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूजली आप इसको मैनिपुलेट करते हैं इसको खुद चेंज करते हैं या चेंज होने का मौका देते हैं और फिर इसका इफेक्ट देखते हैं कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इफेक्ट आता है मसलन अगर मैं फ़र्ज करें टीचिंग uh, मेथड में uh, एक मेरा है लेक्चर मेथड और एक मेरा है डिस्कशन मेथड और मैं दोनों का इफेक्ट देखना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स की लर्निंग के ऊपर क्या इफेक्ट है तो आई विल मेनप्लेट द टीचिंग मैथडोलॉजी बाई माई सेल्फ सो मे बी एक ग्रुप को मैं लेक्चर मैथड से पढ़ाऊँ और दूसरे ग्रुप को मैं डिस्कशन मैथड से पढ़ाऊँ और फिर मैं उनकी प्री uh, असेसमेंट और पोस्ट असेसमेंट करके देखूँ कि किस मैथड के अंदर स्टूडेंट्स की लर्निंग uh, बेहतर हुई है सो so, uh, आपकी इसके अंदर एग्जाम्पल में मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लर्निंग टीचिंग मैथडोलॉजी और uh, मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो आपकी स्टूडेंट्स uh, की परफॉर्मेंस या उनके ग्रेड्स या उन्होंने जो भी टेस्ट पे स्कोर लिया हुआ uh, ये हमने बात कर ली है डिपेंडेंट वेरिएबल की और हमने पहले भी इसकी बात की है और भी बहुत सी एग्ज़ाम्पल्स आप ले सकते हैं आप हमेशा एक अच्छा जो आप बिकॉज यू आर डूइंग योर साइकोलॉजी बी एस साइकोलॉजी आप कर रहे हैं आप साइंस की डिग्री ले रहे हैं एंड अल्टीमेटली आई थिंक साइंस स्टूडेंट्स की अप्रोच जो है वो एक बड़ी साइंटिस्ट की तरह होनी चाहिए और चीज़ों को बड़ा उसको क्रिटिकली और uh, Uh, देखना चाहिए कि आप उसको हमेशा देखें कि किस किस एंगल से कैसे वो चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं सो यू मेक इजाम्प्शन यू मेक हाई यू मेक योर रिसर्च क्वेश्चन इन दैन यू टेस्ट और ऑलवेज़ रिमेंबर कि वट रियली यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट हमारे पास इतने सारे साइकोलॉजी में टूल्स हैं रिसर्च डिज़ाइंस हैं प्रोविजन हैं कि आप किसी तरह का भी अगर आपकी क्यूरोसिटी है कि आई वॉन्ट टू टेस्ट दिस इन द इनवायरमेंट कि ये चीज़ कैसे हो रही है हु इज़ डूइंग दिस definitely you can make a good research design and you can plan a strategy and then you can run the statistical analysis accordingly and you will get a scientific answer which is remarkable and end product of this course also okay, you should be able to think critically formulate your own research questions and then go and find out the answers in the real environment by using all the tools that you will be equipped with like stats and research and then you will be applying those um, tools to you know get the answer सो so, uh, जैसे आप पेंडामिक uh, के अंदर हमारे कोविड में uh, बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि जी जैसे आई हैव मेनी कॉन्टैक्ट्स इन यू एस माई प्रोफेसर यूजली कॉल मी कि कैसे पाकिस्तान के अंदर एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ वी आर इन अ मच बेटर पोजिशन हमारा डेथ टॉल इस तरह नहीं है और हमारा स्प्रेड भी इस तरह से नहीं है तो वाट आर द फैक्टर्स क्या चीज़ें इट्स अ क्यूरोसिटी कि हाउ पाकिस्तान बींग द अ डवेलपिंग कंट्री कैसे है तो आप अपने रिसर्च क्वेश्चन ख़ुद से फार्मूलेट करके अपने हाइपोथिस जनरेट कर सकते हैं एंड ऐसे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन चूँकि इसकी इंटरनल वेलिडिटी बहुत ज़्यादा है गिव यू द साइंटिफिक आंसर्स एंड सोल्यूशंस टू ऑल द क्वेरीज जो भी आपकी होती हैं तो अगर मैं फर्स् करें जानना चाहती हूँ कि पीपल हु आर मोर रिस्क लिटरेट वुड है बेटरटिव और में फॉलोइंग मोर एस ओ पीज़ एज़ कम्पेयर टू द पीपल हु आर लो इन रिस्क लिटरेसी तो इस हाइपोथिस को मैं थ्रू एक्सपैरिमेंटल डिज़ाइन भी टेस्ट कर सकती हूँ और थ्रू कोरेशनल डिज़ाइन भी टेस्ट कर सकती हूँ डिपेंडिंग अपॉन कि मैं अपनी रिसर्च को कैसे डिज़ाइन कर रही हूँ सो so अगर मैं कहूँ कि पीपल हु हैव बेटर रिस्क लिटरेसी वुड हैव बीन फॉलोइंग एस ओ पीज़ मोर स्ट्रिकली और रिगरसली तो इसके अंदर हमारा जो रिस्क लिटरेसी है मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और फॉलोइंग और प्रिवेंटिव बिहेवियर्स या फॉलोइंग एसओपीज़ मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा कंट्रोल वेरिएबल्स में हमारी हमेशा एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हम इसलिए कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं क्योंकि हम इसमें बाकी सारे वेरिएबल्स जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स होते हैं जो कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं उनको हम कंट्रोल करते हैं इसीलिए हम कहते हैं कि अगर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट किया है और उसका इफेक्ट हमने डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखा है तो कैसे हम कहते हैं कि ये कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप हमने इस्टेब्लिश किया है क्योंकि हम इसमें कंट्रोल का मेन फीचर है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हम बाकी सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं इधर दे आर हम मैं पिछले स्लाइड uh, में एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स की बात कर रही थी और एक्स्ट्रेनियस वेरिएबल्स आपके चार तरह के हो सकते हैं एक तो आपकी डिमांड करेक्टरिस्टिक्स हैं यानी आपकी सिचुएशन से इस तरह के फैक्टर्स आ सकते हैं एक्सपेरिमेंटल सिचुएशनस है कि वो आप कुछ इस तरह के क्लूज दे दें कुछ हिंट दे दें कि आपकी जो सब्जेक्ट है उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी चेंज हो जाए आपके एक्सपेरिमेंटल बायसेस हो सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल की तरफ से कुछ ऐसे क्लूज चले जाएं या उसके नॉन वर्बल जेस्चर्स चले जाएं जिसकी वजह से पार्टिसिपेंट कैन गेस अबाउट कि एक्सपेरिमेंट किस चीज़ के बारे में है एंड दे परफॉर्म अकॉर्डिंगली उसमें सोशल डिजायरेबिलिटी और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं इसी तरह आपकी बहुत से वेरिएबल्स जो कि कन्फाउंड कर सकते हैं आपकी इन्वायरमेंट से आ सकते हैं जैसा आपका टम्परेचर है कमरे में आपकी लाइट है नॉइज़ है आपकी एक्सपेरिमेंटल कंडीशनज हैं सारी उससे भी आ सकते हैं और फिर सब्जेक्ट का हर सेल्फ़ और हिम सेल्फ भी बहुत से फैक्टर्स एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स में आ सकते हैं जिनको हम थ्रू एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन कंट्रोल करते हैं जैसे उनकी प्रायर नॉलेज अबाउट दैट वेरिएबल या उनकी लर्निंग या उनका आई उनका इंटेलिजेंस उनका पर्सनैलिटी क्योंकि देर आर सो मेनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस कि ईच पर्सन इज डिफरेंट फ्राम द अदर पर्सन सो ये सारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स वेदर दे आर कमिंग फ्राम एक्सपेरिमेंटल और सिचुएशन और द पार्टिसिपेंट और द इन्वायरमेंट तो हम उनको सारों को कैसे कंट्रोल करते हैं uh, हम एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में uh, थ्रू रेंडमाइजेशन या रेंडम असाइनमेंट के जरिए और या फिर हम अपनी ट्रीटमेंट और कंट्रोल ग्रुप के जरिए उसको कंट्रोल करते हैं सो वी कंट्रोल ऑल द एक्सट्रियस वेरिएबल्स तीन कंडीशन हैं जो कि दे आर नीडिड टू मेक अ काजल इंफ्रेंस कब हम कहेंगे कि वाकई ही फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग अफेक्ट्स हेल्थ राइट

Uh, दोनों चेंज होंगे टाइम ऑर्डर रिलेशनशिप का मतलब है कि आपके इंडिपेंडेंट uh, वेरिएबल में चेंज पहले आएगा और डिपेंडेंट वेरिएबल में यानी पहले कॉज आएगा और फिर उसका इफेक्ट आएगा और तीसरा है कि एलिमिनेशन ऑफ ऑल कंफाउंडिंग वेरिएबल्स यानी मैंने कंट्रोल किए हैं जितने भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं जो कि पोटेंशियली इफ़ेक्ट कर सकते थे यानी मैंने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में मे भी बैलेंसिंग की है मे बी मैंने ब्लॉक रेंडमाइजेशन की है मे बी मैंने रैंडम असाइनमेंट um, की है मे बी मैंने मैचिंग की है सो देर आर मेनी टेक्निक्स दैट वी कैन यूज़ टू कंट्रोल ऑल द एक्सट्रेनियस वेरिएबल और ये आप अपनी रिसर्च की uh, मेरे ख्याल से कोर्स um, में डिटेल में पढ़ेंगे कि हाउ वी अचीव कि हमने सारे कंफाउंड्स और सारे एक्सट्रेनियस को मैक्सिमम कंट्रोल किया है सो दीज आर थ्री कंडीशंस व्हेन वी से हमने कॉज एंड इफेक्ट इस्टाब्लिश किया है तीन करेक्टरिस्टिक्स हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की uh, सबसे पहली मैनिपुलेशन यानी हम इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ख़ुद से मैनिपुलेट करते हैं यानी उसको चेंज करते हैं या चेंज होने का मौका देते हैं जैसे फर्स्ट uh, करें मैं देखना चाह रही हूँ कि कॉफ़ी के इफेक्ट uh, क्या हैं परफॉर्मेंस के ऊपर तो मैं मे बी एक ग्रुप को टू कप्स कॉफ़ी दूँ और उसके बाद उनको लेक्चर दे के उनकी असेसमेंट करूँ कि वट देव लर्न और दूसरे ग्रुप को कोई कॉफ़ी ना दूँ और फिर मैं उनकी लेक्चर uh, मेथड से उनको पढ़ाऊँ और फिर दो घंटे बाद उनकी असेसमेंट करूँ कि वट हैव लर्न सो इसमें मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ख़ुद मैनिपुलेट किया है दूसरी रैंडमाइजेशन सो दे वुड बी वन ग्रुप विच इज गेटिंग द ट्रीटमेंट एंड देर इज़ अ नदर ग्रुप विच इज़ द कंट्रोल ग्रुप हु इज नॉट गेटिंग द ट्रीटमेंट जैसे एक ग्रुप को कॉफ़ी दी है और एक ग्रुप को हमने कॉफी नहीं दी तो so, इसके अंदर मैंने दोनों ग्रुप्स में लोग कैसे असाइन करने हैं क्योंकि हो सकता है कि एक ग्रुप में लोग बाकी वो बड़े इंटेलिजेंट आ जाएं वो चाहे कॉफ़ी पिए या ना पियें या दूसरे ग्रुप में लोग इस तरह के आ जाएं कि जो कि मे बी मतलब चाय के एडिक्ट हैं और उनको चाय अगर नहीं मिलेगी तो वो सम लाइक दैट सो हमारी जो रैंडमाइजेशन है बेसिकली शो uh, करती है कि हमारे जितने भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं हमने सारे के सारे इक्वली दोनों ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए फॉर एग्जांपल आई हैव अ लिस्ट ऑफ सिक्सटी स्टूडेंट्स और मैं उसमें से रैंडमली रैंडम असाइनमेंट का मतलब है कि मे बी चिट मैथड के जरिए आई विल असाइन ईच पार्टिसिपेंट टू ईदर ट्रीटमेंट ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप सो जब मैंने रैंडम असाइनमेंट की जो कि बहुत ऑब्जेक्टिव और बेस्ट सैम्पलिंग मेथड है तो उसका मतलब है कि मैंने सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस को वेदर इट वाज इंटेलिजेंस वेदर इट वाज प्रायर नॉलेज वेदर इट वाज पर्सनालिटी वट मैंने उनको इक्वली दोनों ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सो आई डोंट नो हु इज़ इन ट्रीटमेंट ग्रुप आई डोंट नो हु इज़ इन कंट्रोल ग्रुप बिकॉज आई डोंट हैव कंट्रोल और चॉइस और सब्जेक्टिविटी इन असाइनिंग पीपल टू वन और द अदर ग्रुप तीसरी चीज़ कंट्रोल हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि आपने सारे एक्सपीरियंस वेरिएबल को या तो रैंडम असाइनमेंट के जरिए या मैचिंग के ज़रिए या बैलेंसिंग के जरिए आपने उनको कंट्रोल करना है Um, हम ऐसे स्टेटस्टिकल कंट्रोल भी कर सकते हैं और हम थ्रू ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप भी कंट्रोल um, कर सकते हैं um, uh, जो हमारी टाइप्स हैं एक्सपेरिमेंटल इस डिज़ाइन में uh, हमारी इस सारी टॉक का मकसद ये है कि हम uh, जब हमें पता होगा कि विच डिज़ाइन वी आर यूजिंग अकॉर्डिंगली वी कैन आइडेंटिफाई कि विच स्टेटिस्टिकल एनालिसिस वी गोना परफॉर्म एंड हाउ वी गोना असेस um, the data and get the answer from that data. So different research designs जो आपने पढ़े होंगे definitely या आप पढ़ेंगे research के अंदर they include experimental or quasi experiments. Um, further classification इनकी independent group design में होती है इनकी repeated मेयर में होती है और फिर इनकी complex designs होते हैं factorial designs होते हैं Um, and you being a student of psychology must have know-how about basic designs experimental can the kya, kya types and so you can choose the design accordingly choose the analysis accordingly as well